लास्ट टाइम हमने कल के लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन स्टडी किया था, और ट्रांसलेशन के रिजल्ट में बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। यानी ट्रांसलेशन के रिजल्ट में हम लिटरली हम बाय डेफिनेशन तो कह देते हैं कि ट्रांसलेशन मीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बट लॉजिकली स्पीकिंग एक्चुअली ट्रांसलेशन के रिजल्ट में पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। पॉलीपेप्टाइड चेन सिंपली अ लीनियर चेन ऑफ द अमाइनो एसिड, और जिसका कोई कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी या एप्लीकेशंस नहीं होती, वो फंक्शनल नहीं होती पॉलीपेप्टाइड की चेन। सो हाउ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन देन गेन इट्स फंक्शन? सो बिफोर गेनिंग द फंक्शन, the polypeptide chain needs to be modified through the post translational processing. Post translational processing, wo modification, wo amendments, wo changes which happens to the polypeptide chain after the translation process. So in tamam jitne bhi different types of modifications hoti hain, changes hoti hain, aur un changes ke baad hi wo polypeptide ki chain ek function acquire kar leti hai. So before that changes, before that modification, it's simply a polypeptide chain and nothing else. Uska koi function nahi hota. So when the polypeptide chain, it undergoes different types of the modifications and acquire its function, so that functional polypeptide is then called as protein. So generally after the synthesis of the polypeptide chain, it undergoes through three different types of the modifications. Polypeptide chain, three different types of modifications ke through unki modifications hoti hain. The first one is protein folding. Yani jo polypeptide ki chain banti hai unki folding hoti hai through different means, और पहले उनमें सेकेंडरी फोल्डिंग होती है और फिर उनमें टर्शियरी फोल्डिंग होती है, और उसके बाद फिर क्वार्टरनरी फोल्डिंग होती है। क्वार्टरनरी फोल्डिंग बेसिकली डिपेंड करता है कि बनने वाली जो पॉलीपेप्टाइड चेन है और बनने वाली जो प्रोटीन है वो बेसिकली सिंगल पॉलीपेप्टाइड पे कंसिस्टेड है या मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड पे कंसिस्टेड है। तो अगर बनने वाली प्रोटीन सिंगल पॉलीपेप्टाइड पे कंसिस्टेड है तो उसमें फोल्डिंग मैक्सिमम टर्शियरी लेवल तक जाती है, और अगर बनने वाली प्रोटीन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड पे कंसिस्टेड है तो फिर हर चेन इंडिपेंडेंटली टर्शियरी स्ट्रक्चर एक्वायर करती हैं, और फिर उसके बाद वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, और फिर उस स्ट्रक्चर को क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंड मॉडिफिकेशन है एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन। एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन मीन देयर इज अ क्लीवेज प्रोसेसेस, यानी जब इनिशियली पॉलीपेप्टाइड की चेन जब बन जाती है और जब उनकी फोल्डिंग हो जाती है तो अमूमन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जैसे ट्रिप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन हैं, ये इनिशियली इनएक्टिव होती हैं, और फिर इनमें इनकी जब एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है तो फिर एक्टिवेट हो जाती है। तो इनएक्टिविटी और एक्टिवेशन जो है बेसिकली होती है बिकॉज ऑफ द एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस। इनमें जो एक्टिव साइट होती है उस एक्टिव साइट को एक एक्स्ट्रा एक एडिशनल पेप्टाइड की एक चेन होती है, उसने उसको यू कैन से कि उसने हाइड किया हुआ होता है, छुपाया हुआ होता है। तो जब एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है तो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस होती हैं। उस एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन के रिजल्ट में वो पेप्टाइड की जो चेन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और जैसी वो ब्रेक डाउन होती है द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम और द इंटरेक्शनल साइट ऑफ द हार्मोन इट बिकम एक्सपोज एंड देन इट इज अवेलेबल टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटी। तो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस, और उसके एंड पे उसके बाद कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। अब ये डिपेंड करता है, केमिकल मॉडिफिकेशन मीन के एडिशन ऑफ सम स्मॉल मॉइटीज इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऐड हो जाना, फास्फेट ग्रुप का ऐड हो जाना, एसिटाइल ग्रुप का ऐड हो जाना। इसमें हर केमिकल मॉडिफिकेशन की अपनी कोडिंग होती है, हर केमिकल मॉडिफिकेशन का अपना एक पर्पज होता है, अपना एक उसका एजेंडा होता है। बेसिकली कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हाफ लाइफ ऑफ द प्रोटीन को इंक्रीज करती है, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन जो है प्रोटीन को एक्टिवेट करती हैं, उनकी एक्टिविटी को इन्हेंस करती हैं, बूस्ट करती हैं। कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन जो है उस एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती हैं जब उसकी एक्टिविटी
कंप्लीट हो जाए. सो फर्स्ट इन द सीक्वेंस इज द प्रोटीन द पॉलीपेप्टाइड फोल्डिंग. सो पॉलीपेप्टाइड फोल्डिंग के फोर डिफरेंट लेवल हैं. एक सिंपल लीनियर चेन है, तो लीनियर चेन और लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो. ये जो सिंपल लीनियर चेन होती है पेप्टाइड की, उसको ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. यही प्राइमरी स्ट्रक्चर ये लोकली फोल्ड हो जाता है, तो उस लोकल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन को सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. लोकल फोल्डिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक पॉलीपेप्टाइड की चेन, फॉर एग्जांपल 100 अमाइनो एसिड पे कंसिस्टेड है, तो अमाइनो एसिड नंबर 1 से अमाइनो एसिड 20 तक फॉर एग्जांपल ये लोकली फोल्ड होके एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बना दें, और फिर अमाइनो एसिड 21 से लेकर अमाइनो एसिड 50 तक फॉर एग्जांपल ये लोकली फोल्ड होके बीटा पीटर शीट बना दें, और फिर फॉर एग्जांपल 51 से 80 तक कॉइल की फॉर्म में हो, और फिर 81 से 100 तक फॉर एग्जांपल फिर अल्फा हेलिकल फॉर्म में हो. तो ये डिफरेंट डिफरेंट चंक्स, डिफरेंट एरियाज, लोकल एरियाज, ये डिफरेंट वे से जब फोल्ड होती हैं, तो इसमें हर लोकल फोल्डिंग को एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. और फिर जब यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हो जाता है, लोकल फोल्डिंग जब कंप्लीट हो जाती है, तो फिर यही लोकली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स, चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो, बीटा प्लेटेड शीट्स हो, कॉइल्स हो, ये फिर थ्री डायमेंशनल वे में फर्दर फोल्ड हो जाती है, एक 3D वे में स्पेस के अंदर फर्दर फोल्ड होती है. उस थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग को टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. अब टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद जो लास्ट लेवल है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का, हर पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शियरी स्ट्रक्चर तक तो लाजमी जाती है. हर पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग टर्शियरी स्ट्रक्चर तक लाजमी पहुंचती है. जो लास्ट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का लेवल है, इट देन डिपेंड्स अपॉन द प्रोटीन कंपोजिशन, कि क्या प्रोटीन मोनो सब यूनिट प्रोटीन है. अगर मोनो सब यूनिट प्रोटीन है, यानी सिंगल पॉलीपेप्टाइड पे कंसिस्टेड है, तो उसमें जो लास्ट स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनेगा वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा. और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज नथिंग एल्स बट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स व्हिच इंडिपेंडेंटली फोल्ड्स इनटू अ टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड देन इट यूनाइट टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल जो डाई सब यूनिट प्रोटीन है, यानी मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है, उनमें हर पॉलीपेप्टाइड चेन सबसे पहले इंडिपेंडेंटली टर्शियरी स्ट्रक्चर तक उनकी फोल्डिंग होती है. पहले उनकी सेकेंडरी फोल्डिंग होती है, फिर वही सेकेंडरीली फोल्डेड प्रोटीन की फर्दर थ्री डायमेंशनल वे में फोल्डिंग होती है, और फिर वो इंडिपेंडेंटली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन, जो डिफरेंट दो चेन्स हैं, वो आपस में फिर यूनाइट हो जाती है. तो अब जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, इसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज आल्सो अ 3D स्ट्रक्चर, बट it only happens in the case when the protein consists of more than two polypeptide chains which are independently folded together. ab question ye hai ki jo folding hai proteins ki, ye kaun perform karta hai. protein ki polypeptide chain ki synthesis to ribosome pe hoti hai, lekin inki jo folding hai, inki folding agarcha के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के अंदर ही इनकी इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है, यानी अगर इनको सिंपल अगर आउटसाइड द सेल भी अगर पॉलीपेप्टाइड चेन को अलाउ किया जाए बाय प्रोवाइडिंग एन ऑप्टिमल पीएच कंडीशन एंड द बफर कंडीशन, तो ये खुद भी फोल्ड हो सकती है इंडिपेंडेंटली, बट द चांसेस ऑफ द मिसफोल्डिंग इज आल्सो देयर. तो नेचर ने इस स्मॉल चांस ऑफ द मिसफोल्डिंग को भी अवॉइड करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, सेल के अंदर कुछ फोल्डिंग मशीनरी रखी हुई होती है. उन फोल्डिंग मशीनरी को शेपरॉन बोलते हैं, CHAPERONES, उसको प्रोनाउंस शेपरॉन से करते हैं. तो ये शेपरॉन प्रोटीन्स, ये दो किस्म की होती है, मॉलिक्यूलर शेपरॉन एंड शेपरोनिन्स. दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है, प्रोटीन फोल्डिंग ही है. तो फोल्डिंग होती किस तरह, बेसिकली कुछ शेपरॉन्स साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जो कि राइबोसोम पे बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ साथ ही अटैच होते जाते हैं, और कुछ शेपरॉन्स या शेपरोनिन जो है वो सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल माइटोकांड्रिया के अपने शेपरोनिन्स होते हैं,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपने होते हैं, गॉल्जी बॉडीज के अपने होते हैं। तो जब बनने वाली प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म में बनने के बाद अपने अगरचा के उनकी इनिशियल लेवल की फोल्डिंग साइटोप्लाज्म में हो जाती है, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन द चांसेस ऑफ मिस फोल्डिंग इज आल्सो देयर। तो अगर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन फिर अगर मिस फोल्ड हो जाए, तो मिस फोल्ड होने की को अवॉइड करने के लिए सेल उस सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के अंदर जो मौजूद शैक्रोनिन है वो दोबारा उसको रीफोल्ड कर देते हैं। तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डिंग मशीनरी सेल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। उनमें द बेस्ट वन नोन इज द HSP70 प्रोटीन और सेकेंड वन इज द GroEL प्रोटीन। ये बेसिकली ये प्रोक्रियाटिक प्रोटीन्स हैं। यूक्रियाटिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस या प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, और लेकिन उनका जो 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 मोड ऑफ एक्शन है वो HSP70 और GroEL दोनों का सेम ही है, के साथ कंपेटिबल ही है एक्चुअली। तो इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को यूज करते हैं एज अ मॉडल मशीनरी। और इसमें HSP70 ये ड्यूरिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस राइबोसोम के साथ साथ मौजूद होती हैं, और जो जो पॉलीपेप्टाइड की चेन राइबोसोम से एक्सटेंड होती जाती है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिग्रेडेशन ऑफ दैट नेसेंटली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन बाय द प्रोटीएज एंजाइम, HSP70 उन प्रोटीन्स को बाइंड कर जाती है। अब HSP70 के दो पर्पजेज हैं। पहला पर्पज है टू प्रोटेक्ट the nascently synthesized polypeptide chain, और second इसका function है folding का। इसके साथ जब attach हो जाती है तो ये इसको fold भी साथ साथ कर देती है protection के साथ साथ। और secondly ये है कि initial second जो mode है वो ये है, और ये अमूमन short जो small proteins होती है उन्हीं को fold कर सकते हैं। जो longer proteins होते हैं उनमें ये होता है कि HSP70 initially नेसेंटली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ बाइंड कर जाती है और उनको स्टेबलाइज रखती है अनटिल अनलेस के ये नेसेंटली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन जो इट इज ट्रांसलोकेटेड टू दिस बैरल शेप स्ट्रक्चर ऑफ द GroEL जो एक्चुअल फोल्डिंग मशीनरी है। GroEL इज शैपरोनिन और इस बैरल शेप स्ट्रक्चर इसके 14 सब यूनिट्स होते हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं, और ये 14 सब यूनिट्स एक रिंग शेप में असेंबल्ड होते हैं, और ये दो रिंग्स बनती हैं जो दोनों रिंग्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड फॉर्म में रखी हुई होती हैं। इसमें एक रिंग भी 7 सब यूनिट पे कंसिस्टेड होती है और दूसरी रिंग भी ऑलमोस्ट 7 सब यूनिट पे कंसिस्टेड होती है। तो मिल मिला के ये 14 सब यूनिट पे एक बैरल शेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। इनकी जो इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं इन GroEL शैपरोनिन की वो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू पे लाइन होती है, ये खुद बताते खुद भी प्रोटीन की बनी हुई होती है, लेकिन इनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू पे कंसिस्टेड होती है। तो नेसेंटली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें जो इनका इनलेट होता है उसके थ्रू दैट चेन इज इंटरनलाइज्ड इनसाइड द GroEL ल्यूमेन। तो GroEL ल्यूमेन में इंटर होने के बाद GroES ये को शैपरोनिन है, ये एक ढक्कन के तौर पर एक्ट करते हैं एक्चुअली। तो ये GroES इसके इनलेट के ऊपर आके इसके इनलेट क्लोज कर देता है, और इनलेट क्लोज करने का पर्पज ये होता है कि जब तक ये प्रोटीन फोल्ड ना हो जाए, मिस फोल्डेड प्रोटीन दोबारा एग्जिट ना हो सके, ताकि प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हो उसके बाद फिर ये एग्जिट हो सके। तो GroES और ATP जब ये आपस में अटैच होके इस बैरल शेप स्ट्रक्चर पे अटैच हो जाती है, तो ये इसको ये इस बैरल शेप स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। कॉन्ट्रैक्शन से ये होता है कि इसकी इंटरनल लाइनिंग और जो नेसेंटली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड की चेन है ये क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाती है। तो अब दोनों इनकी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड ऑफ द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द GroEL and the hydrophobic residue or hydrophobic amino acid present within this nascently synthesized polypeptide chain inki aapas ki hydrophobic interaction protein ko fold kar deti hai। to jo protein fold ho jati hai ATP hydrolyze ho jati hai, ATP ke hydrolysis se ye barrel shape structure dobara expand bhi ho jata hai aur GroES jo wo detach ho jata hai। to jo ye detach hota hai ye inlet jo hai ye dobara way open ho jata hai aur folded protein jo exit ho jati hai after folding from this GroES structure।